ये है माझर कुंड और इस साइड में है धुआं कुंड। तो अभी हम लोग इधर चलेंगे धुआं कुंड की ओर और आपको दिखाएंगे धुआं कुंड कहाँ पे है और कैसा है। तो अभी चलते हैं उधर और देखते हैं उधर का नज़ारा कैसा है। गाड़ी नहीं जाती है तो यहाँ से ट्रैकिंग वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है जिससे पार होकर के लोग उस साइड में जाते हैं, और यही वो पुल है जिससे होकर के क्रॉस किया जाता है उस साइड के लिए। और यहाँ पे लोग हैं कुछ जो कि यहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। और उधर आप लोग देख सकते हो उधर पानी कैसे निकल रहा है उधर से, यहाँ से होकर के पानी इधर की ओर। हम लोग बाइक वहाँ पे खड़ा करके और इसके सहारे से इधर से होते हुए यहाँ पे आए हैं। और ये हमारे मामा जी हैं और हम लोग भी आए हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। कुछ सामान आप लोग देख सकते हो हाथ में लिए हुए हैं और बाबू है हमारे साथ। और इधर वो कुंड है आगे में है धुआं कुंड, तो अभी चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे। यहीं पर धुआं कुंड में ही मंदिर एक बना हुआ है जो कि ब्रिटिश के ज़माने से ही बना हुआ है, उन्होंने ही इसका शायद निर्माण करवाया था। और यहाँ पे ब्रिटिश लोग एक घर बनाए थे जो कि वो लोग आते थे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, तो यहाँ पे वो लोग ठहरते थे। अभी चलेंगे इसके ऊपर और इसको ऊपर जाने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। एक और भैया जी हमारे मिल गए, बहुत ही सुंदर जगह है। क्या नाम हुआ आपका भैया जी? मेरा नाम शुभम हुआ। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा जगह है घूमने लायक, आप अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि बिहार में घूमने के लिए नहीं, इसके नहीं 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 बहुत है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ का सरकार कुछ नहीं करता है, ठीक ना। अगर इसको आप लोग जैसे लोग अगर इसको वीडियो में लाएंगे तो बहुत लोग जान पाएंगे। अभी हम लोग जो ब्रिटिश जमाने से बना हुआ है घर उसके ऊपर यहाँ पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। और अभी आपको दिखाते हैं पीछे का नज़ारा कैसा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है यहाँ पे घूमने। और ये आप लोग देख सकते हैं यहीं पे धुआं कुंड है और इसके अंदर में मंदिर एक बना हुआ है। अभी चलेंगे मंदिर की ओर और मंदिर को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे किस भगवान का मूर्ति बना हुआ है। और सरकार ने कुछ पहल की है, वहाँ पर कुछ बनाया गया है ठहरने के लिए। और अभी हम लोग इस पर खड़े हैं, ये ब्रिटिश ज़माने के लिए बना हुआ है, ब्रिटिश लोग यहाँ बनाए थे। और ये हमें लगता है इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो लोग आते थे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पे रुकते थे वो, इसके लिए ये बनाए थे। और एक यहाँ बना हुआ है और एक वहाँ पे बना हुआ है, दो बना हुआ है शायद, एक वहाँ भी बना हुआ था जो कि वह वो टूट गया, अब वो है नहीं, थोड़ा सा उसका ढांचा बचा हुआ है, बाकी सब ख़त्म हो चुका है। और ये वाला जो है जो आपको खाई दिख रहा है यही है धुआं कुंड। पानी इधर इधर से पानी होकर के वहाँ पर जाकर गिरता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो ये सासाराम के पास आइए, खाना वाना भी आप लोग बना सकते हैं, मीट मुर्गा मछली जो भी है। सासाराम के पास ये स्थित है माझर कुंड और धुआं कुंड, और इसका आने का रास्ता है सासाराम के पास एक ताराचंडी माँ का मंदिर है, वहीं से आने का रास्ता है, आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के। मात्रा में यहाँ पे पानी गिर रहा है और यहाँ पे एक मंदिर है, तो अभी चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यही वो रास्ता है मंदिर की ओर जाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे चप्पल उतार दिए हैं और चप्पल उतार के अंदर जाना है, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि किस भगवान का अंदर में नीचे में मूर्ति बना हुआ है और दर्शन करते हैं हम लोग। ये कुछ रास्ता यहाँ पे झुक करके जाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है, हे माता रानी, माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है और माँ दुर्गा यहाँ पे विराजी हुई है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे जो कि काफ़ी समय पहले से ही बना हुआ है। तो इधर से ऐसा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है यार, घूमने लायक प्लेस है।
आप लोग एक बार जरूरी है, जरूर से जरूर यहाँ पर आए। और इधर का जो खूबसूरत व्यू है इसका लुक छूटा है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है। फूलों कहाँ गया? अरे काफ़ी लोग बोलते हैं देख कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है और उन लोग के लिए एक उदाहरण है ये। और पानी यहाँ से गिरने के बाद इधर की ओर निकल के नदी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहराई है, तो जब भी आए तो थोड़ा सा सावधान रहे यहाँ पे। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है झरना को देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है दुर्गा माँ का और उसी के साथ में लगा हुआ है एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहाँ से आप झरना का एंजॉय अच्छी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे खड़े हैं और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई है। और ये है दुर्गा माँ का मंदिर, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दुर्गा माँ यहाँ पे। और ये बाबा जी हैं जो कि माँ का देख रेख करते हैं यहाँ पे। और इधर से कुछ रास्ता आने जाने का, ये काफ़ी ज़्यादा नीचा है तो यहाँ पे झुक कर लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी पानी निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर पानी होता है, एक्चुअली पीने लायक ये पानी होता है, पी सकते हो आप लोग, इतना साफ होता है ये पानी। और इधर से होकर के फिर वो नीचे की ओर गिर जाता है उधर। हम लोग अभी इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो हम लोग लाए थे पार्टी मनाने के लिए यहाँ पे चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कितनी मात्रा में यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और ये थोड़ा स्लिपरी भी है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। और एक यहाँ पर भी बनाया हुआ ब्रिटिश ज़माने का वो किला, जो कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते थे पिकनिक मनाने के लिए, तो उसी में ये लोग ठहरते थे। और कुछ इधर का ऐसा भी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर बाइक काफ़ी सारी मात्रा में खड़ी है। घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर। और कुछ देर बाद हम लोग भी इसमें स्नान करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, नीचे में काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, यहीं पे स्नान करेंगे। और यहाँ से हो करके ये आप लोग देख सकते हो पानी नीचे गिरता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसा भी हुआ इधर का, बढ़ गया है इसी कारण यहाँ पे घटना घट जाती है। और यहीं पे ज़्यादा घटना घटता है, ये वाला जो है कुंड यहीं पे ज़्यादा घटना घटता है, ये वाला झरने के पास। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बह जाते हैं पानी बढ़ने के कारण। अभी तो पानी काफ़ी ज़्यादा कम है बट अचानक एक्चुअली पहाड़ के ऊपर बारिश होती है और पानी अचानक बढ़ जाता है और लोग यहाँ पे घटना घट जाता है। तो देखने में जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक झरना ये माना जाता है। हम लोग अभी अब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। यहाँ पे टी शर्ट खोल दिए हैं और बाबू भी तैयार हो गया है, रेडी हो गया है स्नान करने के लिए। चलो चलना है ना स्नान करने, तो अभी चलते हैं इधर और झरने में स्नान करेंगे। वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है स्नान करने में। हम लोग इधर ही स्नान करेंगे ऊपर वाले। काफ़ी मज़ा आ रहा है स्नान करने में यहाँ पे। और भैया जी लोग किधर आए हुए स्नान करने के लिए, हम लोग भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और कुछ इधर भी लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ स्नान करने के लिए, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, मज़ा आ रहा है एकदम। सब मम्मी वाला खींच रहे हैं, सब लोग यहाँ
काफी मजा आ रहा है स्नान करने में। आप लोग भी जरूर एक बार आइए हम पे स्नान करने के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग यहाँ पे स्नान करने में। और यहाँ पे अभी हम लोग स्नान कर रहे थे, बाबू स्नान कर रहा था यहाँ पे, और हम लोग अभी और स्नान करें काफ़ी देर तक। उधर भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठा पाओगे। और कुछ ऐसा इधर का व्यू है, इधर में भी कुछ लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर, और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर पिकनिक भी मना रहे हैं और खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और बाबू को देखिए इधर, बाबू बाबू खूब मजा कर रहा है। और इधर में आप लोग देख सकते हो ये सब का लोग है जो कि यहाँ पे आकर के पिकनिक बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं ये लोग। और उधर में कुछ लोग हैं जो कि खाना ही बना रहे हैं, और बाबू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। अभी हम भी जाते हैं और मस्ती करते हैं, पानी में स्नान करते हैं। माजर कुंड का मजा ले रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। इधर देखिए मेरा बेटा को, बाबू गिरता है ना खाई में, वो आपको अभी दिखाते हैं, वो दिखाना बाकी। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे और वहाँ पे दिखाएंगे, वहीं से पानी एग्जैक्ट नीचे गिरता है खाई में। अभी वहाँ चल के दिखाते हैं आपको कि वहाँ से नीचे का भी कैसा लगता है देखने में। चलते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ से पानी गिरता है, यहीं से पानी गिरता है नीचे की ओर खाई में। तो मैंने आगे से व्यू दिखाया था आपको कि पानी कैसे गिरता है, और अब इधर से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा पानी गिरता है, इधर का व्यू कैसा है। तो ये कुछ इधर से ऐसा है, और यहीं से पानी होकर के इस खाई में गिरता है इधर, और नीचे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाई है। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से कितना ज़्यादा खाई है, और इसी खाई में पानी गिर रहा है नीचे में। और कुछ नीचे में लोग भी है, पता नहीं कैसे वो गए हैं वहाँ पे, कुछ लोग भी हैं वहाँ पे जो कि स्नान कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा खाई है गाइस यहाँ पर। और इधर देखो आप लोग पानी कैसे गिर रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, काफ़ी अच्छा दृश्य है, एकदम सुंदर नज़ारा, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप लोग एंजॉय कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा पूरी दिखाने की। और कुछ भैया जी लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं वहाँ पे,
तो गाइस यही था धुआंकुंड, अभी आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो इधर से पानी कितना ज़्यादा गिर रहा है। और जब बाढ़ आता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी गिरने लगता है, इधर से भी गिरने लगता है, इधर अभी सूखा हुआ है, इधर से भी पानी गिरने लगता है जब बाढ़ आता है तो, इधर से कुछ कुछ पानी अभी यहाँ से आ रहा है तो गिर रहा है इधर। और इधर आप लोग देख सकते हो हमारे नीचे कितना ज़्यादा खाई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों फीट लगता है खाई है वहाँ पर, और काफ़ी डेंजर। काफ़ी सुंदर व्यू है, अल्टीमेट नज़ारा है। का जाने का तैयारी हो गया है और स्नान करने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्या बाबू पसीना चल रहा है? बहुत सारा गर्मी है, हालत भी खराब हो गया है। बोलो बेटा, और गर्म लग रहा है? हाँ। बोलो तो उसको बोलो। हाँ, लग रहा है गर्म। और हम लोग अभी यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हम लोग के साथ दो और आदमी आए थे, उन लोग का भी वेट कर रहे हैं, जब तक नहीं हुआते तब तक निकलने में कैसे निकल नहीं सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, प्यास भी लग गया है, हम लोग का जो पानी था काफ़ी सब खत्म हो गया है। सोच रहे हैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का, बट वो लोग का इंतजार करना पड़ेगा, अभी आएँगे तभी निकलेंगे। और देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा पसीना चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, ये देखो बहुत सारा गर्मी है। तो उन लोग का तो वेट हम लोग किए लगभग आधा घंटा, आधा घंटा से उन लोग का वेट कर रहे हैं, तो लगता है कि उन लोग अभी लेट से आएंगे। हम लोग को लग गया प्यास तो हम लोग अभी जाएंगे नीचे। और गाइस जितना सारा मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, जा कर के पानी वानी पियेंगे और फिर इन लोग का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंडा रहेगा। अभी यहाँ पर